हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप आज के साथ मैं डिस्कस करूंगा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी में आई हुई फाइनेंस अकाउंट्स की वैकेंसी के बारे में, जहां पे बीकॉम ग्रेजुएट, सीए, सीएमए और एमकॉम की रिक्वायरमेंट है। इससे रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन क्या है वो डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। सिलेबस क्या होगा वो भी यहाँ पर मैं बताऊँगा, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नोटिफिकेशन है उनका, जहाँ पे यहाँ रिक्वायरमेंट है 25 ऑफिसर्स की, असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन ग्रेड पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको फर्स्ट पेज पर ही बता दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है आपका 21 अगस्त 2019 से है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 11 सितंबर 2019 है, यानी आपको 20 डेज का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपका फर्स्ट डे से लेके लास्ट डेट तक आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे जो बताया गया है बोल्ड में आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2019 की बात की गई है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड लेटर जो है वो बता दिया गया है कि एग्ज़ाम शुरू होने से 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, बाय मैसेज बाय मेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो बोल्ड अंडरलाइन में बताया गया है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी एक्सेप्टेड, नो अदर मींस मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सो एप्लीकेशन का जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन है, जैसा कि यहीं से ही आपको पता चल गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फुल डिटेल की, तो जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसी है, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, ग्रेजुएशन मस्ट पास बीकॉम डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है 60% मार्क्स जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो होना चाहिए, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो डिजायरेबल है यहाँ पे देख सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड एमकॉम, यानी बीकॉम के साथ साथ आपको सीए एंड सीएमए और एमकॉम तीनों में से कोई एडिशनल डिग्री है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप बीकॉम विद सीए या फिर सीएमए या एमकॉम से किया है तो इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करें। देन यहाँ पे सेकेंड पोस्ट की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी की है, जहाँ पे 2 पोस्ट है, और यहाँ पे आपका एसीएस एफसीएस दोनों में से कोई भी आपके पास है, यानी आप एसोसिएट मेंबर हैं या फिलो मेंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री 60% मार्क्स और 55% मार्क्स होने चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम विथ एसीएस और एफसीएस कोई भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस और एडिशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एडिशनल डिजायरेबल अगर आपके पास आईटी सर्टिफिकेट है, जैसे साइप का नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा सकता है। यहाँ पे खास बात बताया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन विद द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट एज ऑन, यानी 21 अगस्त 2019 की डेट तक आपके पास बीकॉम की डिग्री या फिर सीए सीएमए या फिर आपने एमकॉम किया है तो वो डिग्री आपका होना चाहिए, यानी आपका पासिंग सर्टिफिकेट मतलब रिजल्ट निकल चुका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो न्यूली क्वालिफाइड सीए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो 23 अगस्त को रिजल्ट आने वाला सीएमए का वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर वो बीकॉम विद सीएमए हैं तो, अगर बीकॉम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो एज ऑन 21 अगस्त 2019 आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स होना चाहिए। बाकी जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रूल्स जो भी हैं मिल जाएंगे यहाँ पे बता दिया गया है। और आपका जो DOB होना चाहिए 22/8/99 से बाद का होना चाहिए और 21/8/1998 से पहले का, यानी 1998 से पहले का होना चाहिए। पे अगर सैलरी की और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो जाओ आपका बेसिक पे होने वाला है वो 32,795 पर मंथ है जी, ये बेसिक है जहाँ पे आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है। इस पे आपका DA HRA CCA यानी अलाउंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे टोटल सैलरी जो मंथली आपका बताया गया है अप्रोक्सीमेटली आपका 59,000 पर मंथ होगा,
प्लस आपका जो भी अदर बेनिफिट्स हैं लाइक न्यू पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, आपका मेडिकल बेनिफिट, हाउस फर्निशिंग अलाउंस, हाउस लीज अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप लीज अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते हैं और एलिजिबल हैं आफ्टर ज्वाइनिंग की ये बात है, तो आपको 30,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे इन एडिशन टू 59,000 पर मंथ। सो काफ़ी अच्छा पैकेज इसके लिए यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप बी कॉम हैं या फिर बी कॉम के साथ सी ए, सी एम ए और एम कॉम आपने किया है या फिर आप सी एस हैं। हम बात करें सलेक्शन प्रोसेस की, तो जो सलेक्शन प्रोसेस है आपका यहाँ पे ऑनलाइन होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जी डी एंड इंटरव्यू। सो थ्री फेज है यहाँ पे, ऑनलाइन टेस्ट, जी डी एंड इंटरव्यू। जो टोटल मार्क्स आपका होने वाला है टोटल वो है 200, यानी तीनों मिला के आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है इंक्लूडिंग जी डी एंड इंटरव्यू। जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है यहाँ पे डेट जो आपको मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 में आपको देना है, जैसा ऊपर मैंने पहले बताया 5th अक्टूबर 2019 टेंटेटिव डेट बता दिया गया है। नहीं यहाँ पे सेंटर की बात करें तो डिफरेंट सिटी में आपका सेंटर है यहाँ पे स्टेट वाइज, और किस स्टेट में कौन सी सिटी में आपका टेस्ट सेंटर होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने स्टेट और वहाँ पे अवेलेबल सिटीज़ में सेंटर चूज़ कर सकते हैं, आपके चॉइस पे आप वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं, अवेलेबल होंगे कि नहीं अक्टूबर मंथ में, वो आप ध्यान से देखकर ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे बात करें आपका स्कीम ऑफ ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका किस तरीके का, किस पैटर्न में होगा, तो ये यहाँ पे बात की गई है फॉर स्पेशलिस्ट अदर देन हिंदी ऑफिसर। सो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट, यानी आप सीए या फिर सीएस या एम कॉम बी कॉम हैं, तो उनका आपका यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होने वाला है, जहाँ पे आपका फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फाइनेंस अकाउंट्स, टैक्स, आपका कंपनी लॉ और भी जो भी हैं उनमें से आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन होगा। पार्ट बी जो होगा आपका टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे सारे ही हैं ये, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जो आपका 20-20 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चंस होंगे। देन पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जहाँ पे टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ऐसे प्रेसिस एंड कंप्रहेंसन, यानी ऐसे राइटिंग या कुछ भी आपको दिया जाएगा जिसे आपको 30 मार्क्स का है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे और आउट ऑफ 3 आई थिंक मे बी 1 करना हो या फिर तीनों करना हो सकता है। सो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 150 है आपका ऑनलाइन टेस्ट का, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 123rd यानी 3 होने वाले हैं। देन फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा आपसे, तो वीडियो ज़रूर ध्यान देखें, जो थोड़े से टर्म्स कंडीशन है उसे में भी बताने के बाद आपको फाइनेंस अकाउंट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि ऑनलाइन टेस्ट जो आप देंगे रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें 60% जनरल ओबीसी को लाना है, 50% एससी एसटी को लाना है। यहाँ पे ओवरऑल यानी जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें भी आपका 60% ओवरऑल होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई करने के लिए जो आपका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है। बात करें हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपल प्रोसीजर है, आपको नोटिफिकेशन और ये ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप GIC ऑफ इंडिया.in पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसा कि लास्ट डेट और ओपनिंग डेट बता दिया है मैंने ऊपर ही, ये बहुत 3-4 बार लिखा हुआ है हर जगह। सो 21st 8 to 11 September। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फ़ीस का, तो जो आपका एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 500 प्लस GST है 18%, यानी 590 आपका टोटल एप्लीकेशन फ़ीस है, और यहाँ पे हैज़ टू बी पेड ओनली इन लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द अबव वेबसाइट, यानी जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको पे करना है। जो एस सी एस टी एंड पी एच कैंडिडेट हैं वो एम्प्लॉई हो सकते हैं, यहाँ के मेम्बर होंगे अगर कंपनीज के, तो वो एग्जम्प्टेड हैं फ़ीस पेमेंट करने से, और आपको डीडी या फिर मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, कोई अदर मोड नहीं करना है, आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस, नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बाकी आप चीज़ें, अपना फ़ोटो स्कैन करना, जो भी स्कैन करना वो सारा देख लेंगे। बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड सिलेबस की, और जो कंपनी सेक्रेटरी है उससे रिलेटेड सिलेबस की, क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, उसमें क्या पूछा जा सकता है, काफ़ी छोटा सिलेबस है उसको देख लेते हैं एक बार। फाइनेंस अकाउंट्स की बात की गई है, जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए डोमेन नॉलेज यानी
फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड क्या सिलेबस हो सकते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग विद फोकस ऑन डेटा एंट्री एंड बेसिक अकाउंटिंग लॉ। तो ये आपका फंडामेंटल यानी जो आपने 11 12th में भी पढ़ा होगा या CSEMA के बेसिक्स में भी वो सारी चीज़ें हैं। देन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड कॉरपोरेट लॉ, इनकम टैक्स 1961 विद फोकस ऑन लेटेस्ट बजट अमेंडमेंट, तो अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं बजट्स में उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। देन इनडायरेक्ट टैक्स विद फोकस ऑन CGST एक्ट 2017, तो GST यानी पढ़ के आपको जाना है GST एक्ट 2017। इसका ब्रीफ है, इसमें से आपको 40 क्वेश्चन आने हैं पूरे में, तो आपको सारी चीज़ें बस याद करनी है कि कब आया था, कितने रेट हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आया था, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अभी लेटेस्ट कौन सी रिटर्न फाइल हो रही है, ड्यू डेट्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू लेना है, डीप में जाके नहीं पढ़ना है, इनपुट ले सकते हैं, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको GST में पढ़नी है। देन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन विथ फोकस ऑन फंडामेंटल्स नॉलेज ऑफ वर्किंग BSE NSE कमोडिटी एक्सचेंज, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा नेट में सर्च करके। देन फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग विथ फोकस ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड इशूज बाई ICAI यानी चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट द्वारा जो इशूड है स्टैंडर्ड, उसको आपको पढ़ना है, उसके बेसिक्स आपको पते होने चाहिए। देन फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विथ फोकस ऑन बजटिंग, तो बजटिंग से रिलेटेड जो भी होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में वो पढ़ लीजिएगा। देन बैंकिंग सर्विसेज फंडामेंटल विथ फोकस ऑन LC बैंक ऑपरेशन यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स कंडीशन होने चाहिए, क्या चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, वो सारी चीज़ें आप नेट पे सर्च करके या आपके फिर आपके पास मटेरियल है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे डिस्क्लेमर भी बताया गया है, जैसा कि मैं पहले बोलता हूँ ये सारे इंडिकेटिव सिलेबस हैं, यहाँ पे बताया गया द सिलेबस मेंशन अबव इज एग्जॉस्टिव इन नेचर एंड नॉट टू बी कंसिडर रिस्ट्रिक्टिव, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू हैंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ हिज हर डोमेन, यानी यहाँ पे बताया गया है जो ये है आपको ओवरव्यू में बता दिया गया है, बाकी आपको अपने डोमेन में फुल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मेशन थी GIC में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में, और यहाँ पे पूरा सिलेबस जो था फाइनेंस अकाउंट्स का ये पूरी डिटेल थी। यहाँ पे मुझे कंपनी सेक्रेटरी का कोई सिलेबस नहीं मिला है, अगर फर्दर अमेंडमेंट होगा कोई अगर सिलेबस में तो मैं ज़रूर आपको नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा मेंशन करके, कंपनी सेक्रेटरी सिलेबस वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अपने ग्रुप में भी शेयर करें, लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके या फिर आप अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जो अपॉर्चुनिटी पता चली इस चैनल के थ्रू या फिर आपको कैसे भी, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।